नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। INDIA गठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक कल हुई, जिसमें खबरें ये चल रही थी कि सीट शेयरिंग पर चर्चाएं हो सकती हैं, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तमाम जो कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्य वहां पर पहुंचे हुए थे, जो शाम के वक्त में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, उसमें यही बात निकल के सामने आई कि आगामी अक्टूबर के महीने में एक बड़ी रैली की जाएगी, साथ ही साथ जातीय जनगणना इसका मेन मुद्दा रहेगा, लेकिन सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर बात तब भी नहीं बनी। अब देखिए, प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार को चेतावनी दी है। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार को कहा है कि इंडिया गठबंधन, भले ही आपने नीतीश कुमार ने नींव रखी हो, लेकिन धीरे धीरे इंडिया गठबंधन से नीतीश कुमार को साइड किया जा रहा है। पहले इंडिया गठबंधन के नाम पर नीतीश कुमार ने आपत्ति जताई थी, लेकिन नाम को नहीं बदला गया। तो ऐसे में प्रशांत किशोर नीतीश कुमार को चेतावनी दे रहे हैं कि आगामी दिनों में अगर इंडिया गठबंधन के तमाम जो दल हैं वो नीतीश कुमार की बात नहीं मानते हैं, तो नीतीश कुमार को सिर्फ यूज कर लिया जाएगा। क्या कुछ कह रहे हैं प्रशांत किशोर, जरा सुनिए। तीसरी बात इंडिया को लेकर मैं जो आपको बताना चाहता हूँ कि ये तो अभी शुरुआती दिन है। सबसे आसान काम है नेताओं का एक साथ बैठना, महत्वपूर्ण है लेकिन ये आसान काम है। जब सीट शेयरिंग की बात होगी, जब मुद्दे की बात होगी, तब आपको समझ में आएगा। जहां तक नीतीश कुमार का सवाल है और इंडिया में उनकी भागीदारी का सवाल है, तो बिल्कुल इसको ऑन रिकॉर्ड आप लिख लीजिए। तीन जो इंडिया की बैठक हुई, पहली बैठक पटना में हुई, नीतीश कुमार की ऐसी अपेक्षा थी कि वो इसके सूत्रधार के तौर पर उभरेंगे, इसके संयोजक बना दिए जाएंगे, तो पटना में तो वो हुआ नहीं। फिर नीतीश जी की आशा अपेक्षा थी कि बॉम्बे में ये हो जाएगा, सॉरी बेंगलोर में होगा, तो जो बेंगलोर में बैठक हुई उसमें संयोजक की तो कोई चर्चा हुई नहीं, इस गठबंधन के नाम की चर्चा हुई। उसमें भी आपने खबरों में देखा होगा कि सब लोग सहमत थे, जो नाम नीतीश कुमार ने सजेस्ट किया उस पर कोई सहमत नहीं हुआ। नीतीश कुमार एकमात्र बड़े लीडर थे जो इंडिया नाम से सहमत नहीं थे, तो वहां पर भी उनकी नहीं चली। तीसरी बार जब वो बॉम्बे में बैठक हुई, तो आपको जदयू वाले नहीं बताएंगे, हम बता रहे हैं, क्योंकि इंडिया वो बैठक में जो लोग बैठते हैं वो सब सीधे तौर से हमसे जुड़े हुए लोग हैं। तो तीसरी बैठक में नीतीश कुमार एजेंडा लेकर गए थे कि कास्ट बेस्ड सेंसस को इंडिया का मेन एजेंडा बनाया जाए। उसको भी इंडिया के सभी साथी गठबंधन दलों ने मुख्य मुद्दे के तौर पर नहीं स्वीकार किया। तो तीनों बैठकों में नीतीश कुमार को, चाहे आपको कुछ भी कहे, मैं आपको जो फैक्ट है वो बता रहा हूँ कि तीनों बैठकों में नीतीश कुमार को जैसी अपेक्षा थी। तो आपने प्रशांत किशोर को सुना। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत लाइव। धीरे धीरे से, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरामा स्टार सीजन 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरामा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरामा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे को घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी, तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।